बहुत दूर एक राज्य में सरसस नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी 12 सुंदर राजकुमारियां थी। वे सब एक कमरे में सोती थी और उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि वो कहीं ना जा पाए। लेकिन फिर भी सुबह उनके जूते काफी घिसे हुए लगते थे, जैसे रात भर उन जूतों में राजकुमारियों ने नृत्य किया हो। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने खबरी को पास बुलाया और उन पर नजर रखने को कहा। लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि राजकुमारियां नृत्य करने कहां जा रही थी। राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि अगर कोई भी ये राज पता कर पाए तो वो उन 12 राजकुमारियों में से किसी को भी अपनी पत्नी बना सकता है। और इतना ही नहीं, उसे राजा सरसस के बाद इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोशिश की और वो नाकामयाब रहा तो उसे 3 दिन के बाद फांसी की सजा दी जाएगी। कुछ दिन बाद एक युवा राजकुमार किसी दूसरे राज्य से उन 12 राजकुमारियों के रहस्य को सुलझाने पहुंचा। उसका वहां बहुत बड़ा स्वागत हुआ और रात को उसे राजकुमारियों के बगल वाले कमरे में ले गए। उसे सब सुनाई दे सके इसलिए उसके कमरे का दरवाजा खुला रखा गया। लेकिन जल्द ही राजकुमार को नींद आ गई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि राजकुमारियां नृत्य करके आ चुकी थी। ये उनके जूतों से पता चल गया। ऐसा दूसरे और तीसरे दिन भी हुआ और राजा ने राजकुमार का सिर काटने का हुक्म दिया। उस राजकुमार के बाद भी कई लोग आए, लेकिन सब अपनी जान गंवा बैठे। एक बार एक जख्मी फौजी राजा सरसस के राज्य से गुजर रहा था। तभी वहां एक बुढ़िया ने उससे पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मुझे राजकुमारियों की खुफिया जगह खोजनी है। और क्या पता, शायद एक दिन मैं ही राजा बन जाऊं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम्हें जो जाम राजकुमारियां पिलाएंगी उसे तुम्हें नहीं पीना है, उस जाम से तुम्हें नींद आ सकती है। उस बुढ़िया ने एक चोगा उस फौजी को दिया और कहा, जैसे ही तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और फिर तुम राजकुमारियों का पीछा कर सकते हो। शुक्रिया माताजी। फौजी राजा के पास पहुंचा और परीक्षा देने की इच्छा जताई। फौजी की वहां बहुत खातिरदारी हुई और उसे बढ़िया पोशाक दिए गए। शाम होते ही उसे राजकुमारियों के बगल वाले कमरे में ले गए। सबसे बड़ी राजकुमारी उस फौजी के लिए जाम ले आई। लेकिन फौजी ने चुपके से उस जाम को फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां उसके खराटे सुनकर खिलखिला उठी। ये भी बाकियों की तरह अपनी जान गवा बैठेगा। नए कपड़े पहनकर तैयार होने लगी। वे बहुत उत्साहित थी। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हें हर समय डर लगा रहता है, क्या तुम भूल गई कि इसके पहले भी हमें कोई पकड़ नहीं पाया है? अगर इस फौजी को नींद का जाम नहीं दिया होता तो भी ये सो जाता। जब वह सब तैयार हो गई, वह उस फौजी को देखने पहुंची जो कि बहुत जोर जोर से खराटे ले रहा था। बड़ी राजकुमारी ने ताली बजाई और एक खुफिया दरवाजा खुल गया, जिसमें राजकुमारियां जाने लगी और फौजी ये सब धीरे से झांकते हुए देख रहा था। फौजी ने झट से चोगा पहना और अदृश्य हो गया और उनके पीछे चला गया। जल्दी में उसने सबसे छोटी राजकुमारी की पोशाक पर पैर रख दिया और राजकुमारी चिल्ला उठी, किसी ने मेरे कपड़े पकड़े। कोई नहीं है वहाँ, बस दीवार में एक कील है। वह सब एक सुंदर पेड़ों के कुंज में पहुंचे, जहाँ सारी पत्तियां चांदी की थी। बहुत ही चमकती और दमकती जगह थी वो। फौजी ने एक शाख तोड़ी और उस पेड़ से आवाज आई, इस बार सच में मैंने कुछ सुना। क्या आप लोगों को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही?
कोई आवाज नहीं है। ये तो उन राजकुमारों का शोर है जिनके साथ हम नृत्य करने जा रहे हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ने लगे, उन्हें वहाँ सोने के हीरे के पत्तों के पेड़ दिखने लगे और फौजी हर पेड़ से एक शाख तोड़ रहा था। और जब जब वो शाखें तोड़ता, तब तब आवाज होती। वे सब एक तालाब के पार पहुँचे जहाँ 12 नाव थी और हर नाव में एक सुंदर राजकुमार बैठा था। फौजी सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में जा बैठा। छोटे राजकुमार ने कहा, आज नाव खींचने में काफी ताकत लग रही है। अचानक से नाव का वजन बढ़ गया है। तालाब की दूसरी ओर एक बढ़िया महल था जहाँ से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। उस महल में राजकुमार राजकुमारियों के साथ नृत्य करने लगे और फौजी भी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, उनके साथ नृत्य करने लगा। उन्होंने तब तक नृत्य किया जब तक उनके जूते घिस नहीं गए। सभी वापस अपनी अपनी नाव में घर की ओर निकल पड़े। लेकिन इस बार फौजी सबसे बड़ी राजकुमारी की नाव में बैठा। जब वे पहुंच गए तो फौजी जल्दी से भागकर सबसे पहले अपने कमरे में आ गया और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियों को उसे सोता हुआ देखकर राहत मिली। अगले दिन फौजी ने यह किस्सा किसी को नहीं बताया। वो दूसरी और तीसरी रात भी अदृश्य होकर राजकुमारियों के साथ गया और वहां से एक सुनहरा बर्तन उठा लाया। 3 दिन बाद राजा के सामने उस फौजी को उसकी चमकीली शाखें और सुनहरे बर्तन के साथ पेश किया गया। मेरी बेटियां कहां जाती हैं रोज रात को? राजा वे 12 राजकुमारों के साथ एक भूमगत महल में नृत्य करने जाती हैं। फौजी ने राजा को पूरी बात बताई और वो शाखें और सुनहरा बर्तन भी दिखाया। राजा ने राजकुमारियों से पूछा कि क्या ये फौजी सच कह रहा है, तो उन्होंने हामी भरी। राजा ने फौजी से अपनी पत्नी चुनने को कहा और फौजी ने सबसे बड़ी राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जताई। उसी दिन उनकी शादी हो गई और राजा ने फौजी को अपना वारिस घोषित किया। कई वर्षों बाद राजा गुजर गए और फौजी उस राज्य के राजा बन गए। लेकिन बाकी के 11 राजकुमारियों को अपने राजकुमार की बहुत याद आती थी। फौजी ने उनसे कहा कि अगर वे चाहें तो वे अपने राजकुमारों से शादी कर सकती हैं। उस रात नए राजा और रानी अपनी 11 राजकुमारियों के साथ आलीशान महल में गए जहां उन सब की शादी हुई और नृत्य की राजकुमारियां वहां खुशी खुशी रहने लगी।